बार के विधानसभा चुनाव को लेकर हर गठबंधन में राजनीतिक पार्टियों ने सीटों को लेकर समझौता कर लिया है और इन पार्टियों को अपने कई परंपरागत सीट को छोड़ना पड़ा है। नमस्कार, मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। अगर बात भाजपा की करें तो भाजपा को भी अपनी कई परंपरागत सीट को छोड़नी पड़ी है। इनमें सूर्यगढ़ा जैसी सीट भी शामिल है। यहाँ से भाजपा प्रवक्ता प्रेम प्रकाश रंजन 4 बार चुनाव लड़े हैं और 3 बार विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए सीट बंटवारे के तहत अपने हिस्से आई 121 सीटों के नामों की सूची मंगलवार शाम को जारी कर दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसे जारी किया। खास बात यह है कि पार्टी राज्य के 5 जिलों के किसी भी एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसमें शिवहर है, शेखपुरा है, मधेपुरा है, खगड़िया है और जहानाबाद है, जबकि 5 जिलों में सिर्फ एक सीट पर ही प्रत्याशी उतारेगी। भाजपा के सर्वाधिक सीटें चंपारण क्षेत्र में मिली हैं। पार्टी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी। फिलहाल भाजपा ने 33 जिलों में सीटों की सूची जारी की है। वहीं पटना में भी पार्टी के हिस्से 10 सीटें आई हैं। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल चंपारण इलाके से आते हैं और इस स्थिति का लाभ भाजपा को मिला है। भाजपा ने जिन 121 सीटों की सूची जारी की है, इसी में उसे विकासशील इंसान पार्टी को भी देनी है। सूत्रों से खबर है कि 11 सीटें वीआईपी को दी जाएंगी और 11 सीटें तय भी कर दी गई हैं, यानी 11 सीटें वीआईपी को दी जाएंगी। भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जो जारी हो चुका है, मैं आपको बता दूंगा। कहलगांव से पवन कुमार यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर वहीं बांका की बात के लिए तो यहाँ से रामनारायण मंडल, जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कटोरिया से निक्की हेम्ब्रम और मुंगेर से प्रणव कुमार यादव चुनावी मैदान में होंगे बीजेपी के टिकट पर। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जी चुनाव लड़ेंगे। वहीं बांस की अगर बात करें तो ज्ञानेंद्र कुमार सिंह उर्फ ज्ञानू, जो कि चर्चित नाम है, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर बिक्रम से बात किया तो अतुल कुमार, जो कि भाजयुमो के भी नेता रहे हैं, ये चुनाव लड़ेंगे। बढ़रा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो कभी आरजेडी के नेता हुआ करते थे, ये इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार होंगे। वहीं तरारी से कौशल कुमार सिंह चुनावी मैदान में होंगे। जहां तक शाहपुर की बात करें तो यहां से मुन्नी देवी चुनाव लड़ेंगी बीजेपी के टिकट पर। वहीं रामगढ़ से अशोक सिंह चुनाव लड़ेंगे। अगर मोहनिया की बात कर ली जाए तो यहां से निरंजन राम चुनावी मैदान में है बीजेपी के टिकट पर। अगर भभुआ की बात करें तो भभुआ से रिंकी रानी पांडे चुनाव लड़ेंगी बीजेपी के टिकट पर। वहीं अगर चैनपुर की बात कर ली जाए, चैनपुर विधानसभा सीट की, तो यहाँ से ब्रिजकिशोर जी चुनाव लड़ेंगे। अगर डेहरी की बात कर ली जाए तो यहाँ से सत्यनारायण सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में रहेंगे बीजेपी के टिकट पर। अगर कराकट विधानसभा की बात कर ली जाए, चर्चित विधानसभा है, यहाँ से राजेश्वर राज जो है ये कैंडिडेट होंगे बीजेपी के टिकट पर। गो से मनोज कुमार शर्मा चुनावी मैदान में होंगे बीजेपी के टिकट पर। अगर वहीं औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद से रामाधार सिंह चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। वहीं अगर गुरुआ से बात कर ली जाए, गुरुआ विधानसभा सीट से राजीव नंदन दांगी जी चुनाव लड़ेंगे। बोधगया से हरी माझी, चर्चित नाम है, इस नाम को मैं आपको बता रहा हूँ, बोधगया से हरी माझी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। गया शहर से प्रेम कुमार चुनाव लड़ेंगे। प्रेम कुमार एक जाना माना नाम है, कई सालों से विधायक रहे हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। वहीं अगर वजीरगंज की बात कर लिया तो यहाँ से वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। रजौली से बात कर लिया तो कन्हैया कुमार रजवार चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। हिसुआ की बात कर लिया तो हिसुआ से अनिल कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। वहीं वारसलीगंज की बात कर ली जाए तो यहाँ से अरुणा देवी चुनाव लड़ेंगी। जमुई से बात कर लिया तो जमुई से श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि गठबंधन में पार्टी को अपनी कई परंपरागत सीट को छोड़नी पड़ी है। इनमें सूर्यगढ़ जैसी सीट भी शामिल है। यहाँ से भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल 4 बार चुनाव लड़े हैं और 3 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी ने नोखा सीट को भी छोड़ दी है। वहां से उनका फायर ब्रांड नेता रामेश्वर चौरसिया विधायक हुआ करते थे। इसके अलावा झाझा की सिटिंग सीट को भी भाजपा ने छोड़ी है। तो कुल मिला जुला करके गठबंधन धर्म को निभाते हुए भाजपा को भी कई सीटों का जो है बलिदान करना पड़ा है। जहां से इनके वर्तमान विधायक हुआ करते थे, गठबंधन धर्म को निभाते हुए वो जो सीट है वो गठबंधन के अन्य घटक दल को देना पड़ा है। तो इसी तरह के तमाम सारे खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। इसी तरह के तमाम सारे खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। हमारे वीडियोज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूले। धन्यवाद।